की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि प्रधानमंत्री जी की एक योजना के बारे में, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का शुभारंभ किया था, उसमें कस्टमर्स को 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। तो जिस उसके तहत आपको अप्लाई करना होता है, जिसके लिए भारत सरकार ने एक वेबसाइट बनाई गई है, पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है पीएम सूर्य घर योजना। उसकी वेबसाइट पर आ जाना है। वेबसाइट का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो वेबसाइट ओपन हो गई है, उसमें देखिए यहाँ पर ओपन करने के बाद में नीचे तीन ऑप्शन दिए गए हैं, अप्लाई फॉर रूफटॉप सोलर और सब्सिडी स्ट्रक्चर रजिस्टर्ड वेंडर। तो सबसे पहले यहाँ पर सब्सिडी स्ट्रक्चर पर क्लिक करेंगे, जिसके माध्यम से आपको सब्सिडी स्ट्रक्चर जो है समझाया गया है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में इस तरह का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि 30,000 रुपये पर किलोवाट के हिसाब से आपको दिए जाएंगे, और मैक्सिमम 3 किलोवाट में आपको 78,000 रुपये भारत सरकार की ओर से सब्सिडी दी जाएगी। इसमें आपको अगर 1 से 2 किलोवाट का आपका कनेक्शन है तो मतलब 150 से 300 वाट की जो बिजली है, यूनिट बिजली यानी मुफ्त दी जाएगी, और 3 किलोवाट से ऊपर का अगर आपका कनेक्शन है तो उसमें 300 से ऊपर पर यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। तो देखिए उसके जो पोर्टल है उस पर आ जाना है आपको। यहाँ पर आपको अप्लाई करने के लिए अप्लाई फॉर रूफटॉप सोलर इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए इस तरह का ऑप्शन दिया गया है, जहाँ पर लिखा है रजिस्टर्ड हेयर और लॉगिन हेयर। यहाँ पर देखिए सिंपल स्टेप्स के बारे में बताया गया है कि किन स्टेप्स के माध्यम से आप जो भी रजिस्टर्स है यानी अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सिंपल 1 स्टेप 2 और 3 स्टेप के माध्यम से आप कर सकते हैं। यहाँ पर उसके लिए आपको रजिस्टर हेयर पर क्लिक करना है। जैसे ही आप रजिस्टर हेयर पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपका स्टेट आपको सेलेक्ट करना है, जिस भी आपको स्टेट में आप रहते हैं। उसके बाद में जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है यानी डिस्ट्रिक्ट जो भी जिला है आपका, वो जिला सेलेक्ट कर देंगे। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आपको जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है यानी जिस भी कंपनी में आपका बिजली का बिल चल रहा है, वो सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद में आपको अपना कंज्यूमर नंबर, जो बिजली बिल अकाउंट नंबर है, वो सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद नीचे देखिए यहाँ पर कैप्चा फिल करने के लिए आएगा, कैप्चा फिल कर देंगे। कैप्चा फिल करने के बाद में आपको नीचे सबमिट पर क्लिक कर देना है, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद में जो आपकी जो डिटेल्स है वो वैलिडेट कराई जाएगी। नीचे दिखा गया है कि योर रजिस्टर्ड नेम एज पर योर इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, नीचे आपका नाम दिया गया है। अगर सही है तो आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे, अन्यथा रिसेट कर देंगे। प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, जैसे ही प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, जो आपका अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है यानी जो रजिस्टर्ड करना चाहते हैं, वो मोबाइल नंबर यहाँ पर आप फिल कर देंगे। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद में देखिए क्लिक हेयर टू सेंड मोबाइल ओटीपी पर क्लिक कर, प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद में देखिए नया एक पॉपअप फिर से ओपन होगा। देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है अप्लाई फॉर रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन, इस तरह का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर देखिए आपकी डिटेल्स मांगी जाएगी, यानी जो भी आपका नाम है, नेम एज पर द इलेक्ट्रिसिटी बिल, वो आपका आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपना जेंडर फिल करना है, वो अपने आप ऑटोमेटेड आ जाएगा। उसके बाद आपको अपना एड्रेस डालना है, यहाँ पर आपको अपना गांव का नाम डालना है, सिटी डालना है, और डिस्ट्रिक्ट आपको ऑटोमेटेड आ जाएगा। पिन कोड, एरिया पिन कोड डालना है। यहाँ पर लिखा है कि डिड एन सी एस सी वी एल ई हेल्प यू, अगर आपने किसी सी एस सी वी एल ई से हेल्प ली है तो यस कर देंगे, अन्यथा नो कर देंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, देखिए लिखा है इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी डिटेल्स, स्टेट आएगा आपका, जो भी आपकी कंपनी डिस्ट्रीब्यूशन है उसका नाम आएगा। यहाँ पर आपकी डिटेल्स आएगी, और नीचे देखिए यहाँ पर आ रहा है कि 2 किलोवाट का आपका कनेक्शन है। यहाँ पर आपका फिर से देखिए कैटेगरी सेलेक्ट करनी है आपको, कि आप रेजिडेंशियल हैं या फिर किसी अदर चीज़ से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर आपको अपना 2 किलोवाट का कनेक्शन फिल कर देना है। यहाँ पर देखिए यहाँ लिखा है कि डू यू वांट लोन, अगर लोन चाहते हैं तो यस पर क्लिक करेंगे, अन्यथा नो पर क्लिक करेंगे। नीचे देखिए लैंगिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आपको सेलेक्ट करना है, तो जो भी आपका एड्रेस है यहाँ पर फिल कर आप एंटर कर देंगे, वही आपका जो लॉन्गिट्यूड है वो सेलेक्ट हो जाएगा। देखिए सेलेक्ट हो गया है, नीचे आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, एक नया इंटरफेस फिर दोबारा से आएगा। यहाँ पर आपका जो बिजली का बिल है, पुराना बिजली का बिल 500 केबी में होना चाहिए, या तो आपकी इमेज जेपीजी साइज में या पीडीएफ साइज में होना चाहिए, या आपको चूज फाइल पर जाकर जहाँ भी आपने सेव किया हुआ है। करने के बाद में आपको जो फाइनल सबमिशन है वो फाइनल सबमिशन पर क्लिक कर देना है। आपकी जो डिटेल है वो सेव हो गई है, और आपका जो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट हो गया है। उसके बाद में आपको देखिए सबमिट बैंक डिटेल पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपकी जो भी जिस बैंक में आप अपनी सब्सिडी चाहते हैं, वो बैंक की डिटेल यहाँ पर भर देनी है।
बैंक की सारी डिटेल डालने के बाद में अकाउंट होल्डर नेम और कस्टमर बैंक अकाउंट नंबर सारी डिटेल डालने के बाद में आपको यहाँ पर अपनी पासबुक फिल कर देनी है, अपलोड कर देनी है। उसके बाद में आपको फाइनल सबमिशन पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर पूछेगा आर यू श्योर टू वांट टू फाइनल सबमिशन, यहाँ पर यस पर आप क्लिक कर देंगे। यस पर क्लिक करने के बाद में देखिए आपकी जो डिटेल है फाइनल फाइनली सक्सेसफुली सबमिट हो गई है। ये आपको जो फ्लेक्सिबिलिटी लेटर है ये सबमिट डिटेल और डाउनलोड डेट ओपन अकाउंटमेंट नंबर ये सारे आपको डाउनलोड कर लेने हैं। डाउनलोड करने के बाद में देखिए बारी बारी से ये आपको संभाल कर प्रिंट आउट निकाल के इंस्टॉलेशन कॉल आएगी आपके पास। और जो भी पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत जो आपने फॉर्म फिल किया है और ये सोलर प्लांट वाला आपके घर लगा दिया जाएगा, इसके तहत आपको 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। तो इस तरह से आप पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरकर सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।